नाला नगर के गांव में रंगैया और रंगम्मा कहकर एक जोड़ा रहते थे। दोनों बहुत अच्छे थे और बहुत दयालु थे। उनके घर के बगल में रहने वाले सुब्बैया और सुब्बम्मा कहकर एक जोड़ा बहुत कंजूस थे, बिल्ली को भी भीख नहीं देते थे। रंगैया वाले उनके घर के सामने ही एक थैले के ऊपर एक बर्गर तैयार करके बेचते थे। उसके लिए पहले उबाले हुए अंडों को छीलकर उनको दो टुकड़ों में करके उस अंडों का पीला भाग को तेल में मसाला डालकर अच्छे से तलाकर अंडों के बीच में वो मसाला डालकर बर्गर जैसा बनाते थे। सुब्बैया वाले भी उनके घर के सामने एक तेले के ऊपर डोसा और इडली बनाकर बेचते थे। वे इतना कंजूस थे कि अगर तेले पर इडली बच गए तो वो खाकर उनका भूख मिटाते थे, अगर नहीं बच गए तो खाली पानी पीकर पेट भरते थे, लेकिन घर में तो खाना नहीं पकाते थे। एक दिन सुब्बैया और सुब्बम्मा भूख मिटाना है कहकर उनके घर में एक पेड़ के पास आए। तब वो पेड़ के ऊपर से एक फल रंगैया के घर में गिर गया। वो देखकर उसके लिए सुब्बैया दीवार से कूदा। वो फल लेने के लिए देखा तो रंगैया के घर के रसोई का खिड़की थोड़ा खुला हुआ दिखाई दिया और अच्छे से खाने का खुशबू भी आने लगा। वो धीरे से रसोई का दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखा तो बर्तनों में बचा हुआ खाना दिखाई दिया। वो एक कपड़े में उनको बांधकर वापस दीवार से उनके घर में कूदा। घर में बीवी से जो हुआ वो कहा तो उसकी पत्नी उसको बहुत तारीफ करने लगी। दोनों मिलकर खुशी से खाना भी खाए। अगले दिन दोनों रंगैया के घर में कोई झगड़ा होगा है कहकर देखने लगे, लेकिन कोई आवाज भी नहीं आया था। तब रंगम्मा, क्यों जी, उनके घर में खाने के लिए कोई गौर नहीं किया लग रहा है। कैसे इंसान है पता नहीं, उनके घर में हर रोज चोरी करके खाने से भी कुछ नहीं होगा। तुम वही काम पर रहो, बोली। उस रात को भी सुब्बैया दीवार से कूदकर दरवाजे के पास गया। उसे थोड़ा धकेलते ही वो दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर फिर से खाना चुराया। ऐसे तीसरा दिन भी चुपके से जाकर उधर देखा तो उधर उसे कुर्सी और उसके सामने पत्ते में खाना परोसकर दिखाई दिया। वो हैरान होकर उस खाना को भी चुराया। अगले दिन रंगैया के घर के आगे भीड़ था। वो देखकर सुब्बैया वाले थोड़ा घबरा गए। धीरे से वे नजदीक जाकर क्या हो रहा है देखने लगे। तब सुब्बैया लोगों से, हमारे घर में हर रोज भगवान आकर खाना खाकर जा रहे हैं, वो कहने के लिए ही आप लोगों को बुलाया, कहा। वो सुनकर सुब्बैया वाले अंदर ही अंदर बहुत हंसने लगे। तब एक आदमी, क्या भगवान आकर खाना खाया, ये आप क्या कह रहे हैं जी, पूछा। तब रंगैया, हाँ भाई, हर रोज भगवान आकर खाना खाकर जा रहे हैं। पहले दिन खाना गायब होने से कोई कुत्ता या बिल्ली खाए होंगे कहकर मेरी बीवी ने बोली थी, लेकिन मैं तो भगवान खुद आकर खाए होंगे सोचा, इसलिए दूसरा दिन वो क्या है जानना है कहकर खाना ज्यादा बनाकर दरवाजा को भी बंद करके रखे थे, फिर भी खाना गायब हो गया। हम हैरान होकर तीसरा दिन पत्ते में खाना परोसे थे, इस बार पत्तों के साथ साथ खाना भी गायब हो गया, फिर ये तो जरूर भगवान का ही काम है, कहा। वो सुनकर लोग, हाँ ये तो भगवान ही है, भगवान ही है, कहकर चिल्लाए। तब ये सब देखकर सुब्बैया और सुब्बम्मा बहुत खुश होने लगे। तब एक आदमी, आपके घर में आने वाले भगवान को हम भी देखते हैं जी, क्या कहते हैं लोगों, कहा। तब लोग, हाँ सबको देखना ही है, सबको देखना ही है, कहकर चिल्लाने लगे। तब रंगैया, अच्छी बात है, लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं कहकर भगवान नहीं आ सकते हैं, इसलिए चुपके से देखना सही होगा, कहा। वो सुनकर लोग ठीक है कहकर मान लिए। उस दिन से लोग उनके घर के आसपास छुपकर उस रसोई के तरफ ही देखने लगे। चोरी करने के लिए देख रहा सुब्बैया को वे लोग दिखाई देकर वो रुक गया। कितना दिन होने से भी वे लोग उधर से नहीं जा रहे थे। एक दिन कोई भी नहीं दिखाई देने से सुब्बम्मा, क्या जी ऐसे देख रहे हो, उधर कोई भी नहीं है, जाकर खाना चुरा कर लेकर आओ, बोली।
तब सुब्बैया, क्या लाना है? कहां कहां चुपके से देख रहे हैं कहकर हमें कैसे पता चलेगा? अगर पकड़े गए तो खूब मारेंगे रे, कहा। एक दिन रंगैया और रंगम्मा उनके ठेले के पास आए। तब रंगैया, कैसे किस्म के लोग हो आप? आप चोरी किया है कहकर पता चलने से भी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने रुके नहीं। चोरी करके खाना क्यों खा रहे हो दरिंदर के जैसे? इसलिए आपको सबक सिखाना है कहकर लोगों को भगवान आकर खाना खाकर जा रहे हैं कहकर यकीन दिलाया। अब से लोग ही हमारा घर का रक्षा करेंगे। कम से कम अब से बुद्धि बदल कर अच्छे से जीना सीखो, कहकर डांटा। उससे सुब्बैया और सुब्बम्मा सर झुकाकर शर्मिंदा होने लगे। एक गांव में कपाड़िया नाम का एक धनवान रहता था। उसके कई किस्म के बिजनेस थे। उनमें से एक बिजनेस था किसानों से सब्जियां और फल खरीदना, उन्हें अपने गोदामों में रखकर बाद में ट्रैक्टरों में और ट्रकों में दूसरे गांव में भेजना। किसान चाहे जितना भी बढ़िया सब्जी लेकर आते, उसकी आदत थी कि कोई ना कोई बहाना करके उनसे कम दामों में वो सब खरीदता था। उसी गांव में चकमा नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो भी अपने खेत में सब्जी उगाता था। वो किराए में एक ट्रैक्टर को लेकर उन सब्जियों को ट्रैक्टर में डालकर बाजार में ले जाकर बेचता था। वो उन सब्जियों को कपाड़िया को बेचता था। हमेशा की तरह कपाड़िया कोई ना कोई बहाना करके कम दाम में सब्जी खरीदता था। कपाड़िया, अरे चकमा, जब देखो पैसों के पास किरकिरी करते रहते हो। भाई टमाटर को तो आजकल कोई पूछता भी नहीं है। भाई तुम्हारे पास टमाटर खरीदना तो मेरे लिए नुकसान है, और रही बात तुम्हारे आलू की, भाई ये तो ठीक से उगा भी नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं इसे बेचूं कैसे? यूं कोई ना कोई बहाना करता रहता था। चकमा भगवान को बहुत मानता था। वो हर रोज बिना भगवान की पूजा किए घर से बाहर नहीं निकलता था। वो हमेशा गांव के बाहर एक आश्रम में जाकर वहां के स्वामी जी को प्रणाम करता था और उनका दर्शन लेता था। स्वामी जी चकमा से, बेटा जब तुम बच्चे थे मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ। तुमने इस आश्रम के लिए बहुत कुछ किया है। तुमने मेरी भी खूब सेवा की है बेटा, लेकिन तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। ऐसा क्यों बेटा? क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? तब चकमा, स्वामी जी आपकी दया से और ऊपर वाले की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है स्वामी जी। जब जरूरत पड़ेगी मैं जरूर आकर आपसे मांगूंगा स्वामी जी, कहकर प्रणाम किया। एक बार चकमा के खेत में आलू की बहुत अच्छी फसल हुई। बड़े बड़े आलू उगे। उस फसल को देखकर चकमा बहुत खुश हुआ। तब उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। तब वो सीधा कपाड़िया के पास गया और कहने लगा, कपाड़िया जी अगर आप बुरा न माने तो मुझे आपसे कुछ कहना है। इस साल मेरे खेत में आलू की फसल बहुत अच्छी उगी है। मैंने बाजार में पूछा तो पता चला कि एक क्विंटल का दाम 2400 रुपए है। यदि आप मुझे क्विंटल के 2000 रुपए देंगे तो वो आलू मैं आपको ही दे दूंगा। मैं भी ट्रांसपोर्ट का पैसे बचा लूंगा ना साहब, यूं दोनों का मुनाफा हो जाएगा। बस कपाड़िया ने चकमा को लात मारा और उसके गिरेबान को पकड़कर, सब्जी उगाने वाले कुत्ते, तुम मुझसे तोल मोल करेगा? तुम मुझे धमकी देता है? अगर सब्जी बेचने वाले तुझ में इतनी अकड़ है तो खरीदने वाले मुझ में कितनी होगी? यहाँ मैं जो कहूँ वही दाम होगा। यहाँ हर किसी को मुझे ही बेचना होगा। मैं एक क्विंटल का 1000 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। तब चकमा, साहब किसान को परेशान कर कभी कोई खुश नहीं रहा। मैं उस दाम में नहीं बेचने वाला। मैं शहर ले जाकर अपना माल बेचूंगा। तब कपाड़िया, अरे ले कैसे जाओगे? इस गांव में तुम्हें कोई गाड़ी अपना किराए पर नहीं देने वाला। अरे तुम्हें तो बैलगाड़ी भी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, गांव के चारों ओर मेरे आदमी पहरा देंगे। अगर तुम उनके हाथ लग गए वो तुम्हें और तुम्हारे आलू का कचूमर बना डालेंगे। अब दफा हो जाए से, कहकर उसे धक्का मारकर भेज दिया। उसके कहे मुताबिक ही गांव में हर किसी ने चकमा को अपना ट्रैक्टर किराए में देने से मना कर दिया। ऊपर से सब मुफ्त की सलाह देने लगे कि कपाड़िया के तय किए हुए दाम में ही उसे बेच दो, उससे पंगा क्यों लेते हो। तब चकमा समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। वो सीधा स्वामी जी के पास गया और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगा।
स्वामी जी, बड़ों ने कहा है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अब तुम्हें वरदान देने का समय आ गया है बेटा, तुम मना ना करना। कहकर स्वामी जी ने जैसे ही अपना हथेली घुमाया, उनकी हथेली में एक छोटा सा ट्रैक्टर प्रकट हुआ। स्वामी जी ने वो ट्रैक्टर चकमा को दिया और कहा, बेटा जब तुम चाहोगे ये ट्रैक्टर विराट हो जाएगा और जब चाहो ये छोटा हो जाएगा। इतना ही नहीं, तुम जो भी काम इससे कहोगे ये ट्रैक्टर करेगा। तुम इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करो और अपना आलू इसमें ले जाकर बेचो। विजयी भवा, कहकर उसे आशीर्वाद दिया। यूं चकमा उस ट्रैक्टर को अपने खेत में ले गया और उसे जमीन पर रख कर उसने इच्छा प्रकट की तो वो ट्रैक्टर बड़ा हो गया। ट्रैक्टर के पीछे चार पहिए थे और ट्रैक्टर खूब बड़ा था। चकमा ने उस ट्रैक्टर में आलू को भरा और फिर जंगल के रास्ते से वो शहर की ओर जाने लगा। लेकिन कपाड़िया के एक आदमी ने उस ट्रैक्टर को जाते हुए देख लिया। उसने तुरंत जाकर ये बात कपाड़िया से कही। चकमा ने अच्छे दामों में उस आलू को शहर में बेचा और फिर पैसे लिए। फिर उसके इच्छा प्रकट करते ही वो ट्रैक्टर एकदम छोटा हो गया। वो उस ट्रैक्टर को लेकर बस में घर के लिए रवाना हुआ। एक जगह चेकपोस्ट रखकर कपाड़िया और उसके आदमियों ने बस को रोका। चकमा से कपाड़िया, ए, मैंने गांव में पता किया, सबने कहा तुम्हें किसी ने ट्रैक्टर नहीं दिया, तो फिर तुम्हें ट्रैक्टर कहाँ से मिला? चुपचाप बोलो, आलू बेचकर जो तुम्हें पैसे मिले हैं वो मुझे दे दो और निकलो यहाँ से, वरना खूब पिटोगे। तब कपाड़िया का आदमी, साहब इसके हाथ में जो ट्रैक्टर है इसी में वो आलू लेकर गया था, यही है वो ट्रैक्टर, यही है, पर साहब ये इतना छोटा सा कैसे हो गया? यूं कह ही रहा था कि चकमा ने ट्रैक्टर को नीचे रखा और उसने इच्छा प्रकट की, तब ये ट्रैक्टर एकदम बड़ा हो गया। चकमा ने जैसे ही इच्छा प्रकट की कि कपाड़िया और उसके आदमियों को मारे, उस ट्रैक्टर ने जाकर कपाड़िया और उसके आदमियों को मारना शुरू किया। बस वो सब डर के मारे वहां से भाग गए। उस दिन से चकमा अपने ट्रैक्टर में सब्जियों को शहर में ले जाकर बेचने लगा और खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगा।